हेलो फ्रेंड, दोबारा फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल टेक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमिनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसका ट्री भी बताऊंगा कैसे आपको याद किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। एमिनो और ग्लाइकोसाइड मतलब दो चीज़ से मिलकर बना है। एमिनो का मतलब है इसमें एक या एक से अधिक एमिनो ग्रुप हमारा रहना चाहिए, और हमारा क्या एक ग्लाइकोसाइड लिंकेज रहना चाहिए। ग्लाइकोसाइड मतलब शुगर लिंकेज एक से एक या एक से अधिक जरूर से रहना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा एमिनो ग्लाइकोसाइड्स है, यह स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, एमकासिन और निट्रिलमाइसिन, इन सबसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये सब उसमें एमिनो ग्लाइकोसाइड्स में इंक्लूड है, ठीक है। और यह जो एमिनो ग्लाइकोसाइड्स होती है, यह वाटर सॉल्वल होती है और बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। यह बेसिक नेचर में होता है और यह वाटर सॉल्वल है। और यह क्या करता है कि यह जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और माइको बैक्टीरियम है, इनके ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। और फिर जो हमारा एमिनो ग्लाइकोसाइड्स है, आपको पता होगा कि यह ज़्यादातर क्या पैरेंटली और टॉपिकली यूज़ किया जाता है, और इसे जो है हम ओरली नहीं देते हैं, ठीक है। जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, ये सब क्या होता है, या तो टॉपिकली यूज़ करते हैं या तो पैरेंटली हम यूज़ करते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है कि यह जो 8th नंबर क्रेनियल नर्व होती है और किडनी, इसको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, डैमेज करता है। 8th नंबर जो क्रेनियल नर्व है, इसका नाम है वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल यहाँ पे देखिए दे दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन और जेंटामाइसिन, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ पढ़ना है स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन और कैनामाइसिन, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। और आप इसको क्लोजी में जब पढ़ेंगे तो इसको इस सबको पढ़ेंगे तो मैं एक ट्रिक से आपको याद करने के लिए बता देता हूँ। देखिए, मैंने ट्रिक लिखा है, ट्रिक इसका है कि कान्हा जी, मतलब जो कान्हा जी थे, ठीक है, कान्हा जी अम्मी ने स्टेपसिल लिया, ठीक है। कान्हा जी उनके दोस्तों ने जो कान्हा जी के दोस्त थे, ठीक है, उनके सखा जो थे, उन्होंने क्या किया, कान्हा जी से आके बोला कि कान्हा जी अम्मी ने स्टेपसिल लिया, ठीक है। स्टेपसिल आप लोग जानते ही हैं, टॉफी जैसा आता है, ठीक है। तो कान्हा से कैनामाइसिन, जी से जेंटामाइसिन, अम्मी मतलब एमिकासिन, एन इससे नियोमाइसिन और स्ट्रेप्सिल से स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस ट्रिक से आपको पांचों, ये जो पांच हमारी एंटीबायोटिक है, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स है, ये आसानी से याद हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रिक। अगर ट्रिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो एमिनो ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, यह कहाँ से ऑब्टेन होती है, यह स्ट्रेप्टोमाइसी बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेप्टोमाइसी बैक्टीरिया होती है, उनसे क्या होती है, हमारा एमिनो ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन होता है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, कि मतलब यह ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है उसकी ग्रोथ को, इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला गया। और इसका हिस्ट्री हम देख लेते हैं, 1944 में जो वॉक्समैन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने फर्स्ट एमिनो ग्लाइकोसाइड का डिस्कवर किया था, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट एमिनो ग्लाइकोसाइड्स था, वह कहाँ से प्राप्त, वह हमारा उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसी ग्राइसेस जो बैक्टीरिया थी, इससे प्राप्त किया जा रहा था, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन वह फर्स्ट एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में यह यूज किया था, किया गया था सबसे पहली बार। और फिर 1949 में फिर वॉक्समैन ने सेकंड एमिनो ग्लाइकोसाइड को मतलब डिस्कवर की थी, जिसका नाम था नियोमाइसिन। यह कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, स्ट्रेप्टोमाइसी फ्रेडिया, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसी फैमिलीज की, तो उसी से क्या किया गया था, ऑब्टेन किया गया था। फिर अगला जो है 1957 में लिमेजावा, मतलब एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैनामाइसिन की खोज की थी। यह जो स्ट्रेप्टोमाइसी कैनामाइसिटीज जो बैक्टीरिया है, इससे ऑब्टेन किए थे, ठीक है। और फिर 1972 में जो
कावागुची नामक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। कावागुची जो थे, इन्होंने एमकासिन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक से ही एंटीबायोटिक को किससे, कैनामाइसिन से बनाया था, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक है कैनामाइसिन, जो हमारा सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम कैनामाइसिन। फिर आगे बात कर लेते हैं क्या इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर जो है, जब इसका नाम आप लिखेंगे तो इसके लास्ट में क्या क्या आएगा, या तो माइसिन आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, लास्ट वर्ड वर्ड आया क्या, माइसिन। अगर माइसिन वर्ड आएगा तो इससे हम पता कर लेंगे कि ये हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, या तो इसके लास्ट में क्या है, माइसिन है, एम आई सी आई एन है, या तो एम ओ आई सी आई एन आए, या तो एम आई सी एन। देखिए इसमें यहाँ पे हमारा दिया गया है जैसे जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन है, इसमें लास्ट में वर्ड आया एम आई सी आई एन, तो इससे हम पता कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है। इसका तो नॉमेनक्लेचर ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के हिसाब से इसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला तो फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीनस है, इनसे हमारा इतने टाइप के हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स प्राप्त होते हैं, यहाँ पे एक सोर्स लिखा गया है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो किससे प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसस से, ठीक है। और कैनामाइसिन मतलब ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसी कैनामाइसिटिस से, तो ऐसे लिखा गया, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर दूसरा जो है ये फ्रॉम माइक्रो मोनोस्पोर स्पीसीज, इससे हमारा जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन इसमें है, ठीक है। फिर हम फिर अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है, ये बी कर लीजिए। पहला तो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें पहला जो है, पहला तो हम क्या, सिस्टमिक, सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड। मैंने पहले बताया कि जो हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, या तो टॉपिकली यूज किया जाएगा, या तो सिस्टमिक रूट से, मतलब पैरेंट रूट। तो हमारा सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स, हमारा यहाँ पे देखिए पांच एमिनोग्लाइकोसाइड्स लिखे गए हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। और टॉपिकल में हमारा आता है नियोमाइसिन फ्रोममाइसिटिन, ये आप ज़्यादातर देखे होंगे जितने भी ट्यूब आते हैं क्या लगाने वाले टॉपिकल वाले, उसमें ज़्यादातर नियोमाइसिन रहता है हमारा, ठीक है। तो फिर आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में, जो हमारा इतना जो है, इतना जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टिडाइन, ठीक है। और ये हमारा जो स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रेप्टोज का है। और ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, एन मेथाइल एल ग्लूसामीन ग्लूकोसामीन, ठीक है। और इसको, और अगर इसको हम एक साथ बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबायोसामीन बोल देंगे, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आप स्ट्रक्चर पहले आप एक स्ट्रक्चर इसको याद कर लीजिए, एक को याद कीजिए, ठीक है, एक को याद करिए, फिर दूसरे को याद करिए, फिर तीसरे को, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको जल्दी से, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मेडिसिन और केमिस्ट्री तैयार होगी जल्दी से, ठीक है। जो हमारा देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यह हमने पहले ही बताया, अभी आपको पहले लिखा था हमने यहाँ पे, देखिए किससे स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसस नामक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट लिखा गया था, यह जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है फर्स्ट एंटीबायोटिक था, जो हमारे देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट थे वॉक्समैन, इन्होंने खोजा था, ठीक है। यह किसमें, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस टीवी में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म आप एक्शन चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए कोई एमिनोग्लाइकोसाइड है, एमिनोग्लाइकोसाइड इसके दर पे हम लिख लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। कोई भी ग्लाइकोसाइड, जितने भी ग्लाइकोसाइड्स हैं सबका मैकेनिज्म एक जैसा आप लिखेंगे, ठीक है, सभी का सेम है। तो अगर हम एमिनोग्लाइकोसाइड देते हैं, ठीक है, यह क्या करेगा, पिनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन थ्रू द एक्वस पोर। तो जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, यह बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या है, क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके कहाँ जाएगा, रिच पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस उसको बोलेंगे, मान लीजिए हमारा ऊपर वाला क्या है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक गैप, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को पार करके आया, कहाँ आया, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आया। फिर क्या होगा, टेक अप द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, और ये किसके थ्रू आ रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप पढ़े होंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाला, ठीक है।
फिर यह क्या करेगा, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्रग आया सेल के अंदर आएगा तो यह फिर इससे बाइंड करेगा 30S राइबोसोम। राइबोसोम में एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया मतलब हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है, ठीक है, 70S का होता है। तो इसमें जो बड़ी यूनिट होती है 50S की होती है, स्मॉल यूनिट 30S की होती है। तो हमारी जो 30S वाली यूनिट है, इससे क्या करेगा हमारा ड्रग, क्या है हमारा मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इसमें क्या होगा, पहले तो ब्लॉक इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। फिर क्या होगा, टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस। फिर तीसरा क्या होगा, एडिशन ऑफ इनकरेक्ट एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये तीनों क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। लास्ट में मैं ये बताया हूँ पूरा आपको, अभी मैं बता देता हूँ। फिर क्या होगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होगा, मतलब बैक्टीरिया जो होगी किल हो जाएगी। बैक्टीरियोसाइडल, साइडल वर्ड आया जहाँ, साइडल मतलब जैसे होता है सुसाइड, सुसाइड मतलब मरना, तो बैक्टीरिया क्या होगी, मर जाएगी, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो अभी जो लास्ट में, अभी मैंने लास्ट पेज पे लिखा है उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यूजेस जो होता है, यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, और ये ट्यूबरक्लोसिस में यूज किया जाता है, और इसका एडवर्स इफेक्ट या क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब यह टॉक्सिक रहता है नेफ्रॉन के लिए, और न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब न्यूरॉन को भी टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा हम बात करते हैं नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्ट्रक्चर को। फिर आगे देखिए नियोमाइसिन जो होता है, यह जो होता है यहाँ पे लिखा गया है, नियोमाइसिन इज द मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट नेमली नियोमाइसिन ए, नियोमाइसिन बी एंड नियोमाइसिन सी विथ नियोमाइसिन बी, ठीक है। यह जो हमारा नियोमाइसिन होता है, यह थ्री कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, किसका, नियोमाइसिन ए का, नियोमाइसिन बी का, और नियोमाइसिन सी का, या तो नियोमाइसिन सी का या बी का, ठीक है। फिर हमारा यह कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसी फ्रेडिया, ठीक है, इससे हमारा, इस बैक्टीरिया से यह हमारा नियोमाइसिन ऑब्टेन होता है। यह भी हमारा क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, और यह ज़्यादातर टॉपिकली यूज किया जाता है नियोमाइसिन। अगर ई कोलाई वाला अगर इन्फेक्शन बॉडी में हो गया है, शरीर में, तो हम नियोमाइसिन का यूज करेंगे। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया तब भी हम इसका यूज करेंगे, और अगर स्किन इन्फेक्शन हो गया या तो आई में इन्फेक्शन हो गया तो इसका हम नियोमाइसिन का यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह। आगे बात कर लेते हैं तीसरा, पहले हमने बात किया किसके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर नियोमाइसिन, अब कैनामाइसिन। कैनामाइसिन जो होता है, यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर, चाहे आप ए बना सकते हैं ए वाला स्ट्रक्चर, चाहे आप ए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, स्ट्रेप्टोमाइसी कैनामाइसिटीज बैक्टीरिया से ऑप्टेन होता है। यह जो होता है, जो कॉमनली कैनामाइसिन, कैनामाइसिन ए के रूप में अवेलेबल होता है मार्केट में, इसका जो यूज है ट्यूबरक्लोसिस और इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है, और यह यूटीआई यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन अगर हुआ है तब भी इसका यूज होता है, और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन अगर हो गया है तब भी इसका हम यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले की ही तरह है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए और लिख लीजिए, नोट्स अगर आप बनाते रहेंगे तो आप अच्छा रहेगा। तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं सार, मतलब सार ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया था, एमिनोग्लाइकोसाइड कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर एमिनो शुगर जॉइंट। तो हमने पहले ही बताया था जो एमिनोग्लाइकोसाइड होता है, इसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे, एमीन ग्रुप होंगे, ठीक है, और ये क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में देख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, द हेक्सोस रिंग इज द रिंग इज टू डॉक्सी स्ट्रेप्टामीन इन ऑल एमिनोग्लाइकोसाइड्स। क्या होता है इसमें देखिए, ए वाला स्ट्रक्चर जरूर से होगा, चाहे जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जरूर से रहेगा, ठीक है। तो फिर एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़कर सभी में यह स्ट्रक्चर जरूर से होगा, ठीक है। एंड डाई हाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन वेयर इट इज द
स्ट्रप्टी डाई इन, यहाँ पे देखिए स्ट्रप्टी डाई इन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर में, ये भी स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगला जो पॉइंट लिखा गया है, इन कैनामाइसिन एंड जेंटामाइसिन फैमिलीज टू एमनो सुगर आर अटैच टू डॉक्सी स्ट्रेप्टामीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैनामाइसिन का अगर आप क्या नाम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्या होगा, दो एमनो ग्रुप और एक जो सुगर लिंकेज है वह होगा, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं, अगला जो है बैक्टीरियल एंजाइम टारगेट द एमनो सुगर मोइटी एट 6 नंबर कार्बन और टू नंबर जो कार्बन पोजीशन, इसमें यहाँ पे देखिए जो 6 वाला है और 2 नंबर है, यहाँ पे देखिए दो एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, एमिनो सुगर ग्रुप मतलब दो एमीन ग्रुप क्या है प्रेजेंट है, एक तो कार्बन नंबर 2 पे, एक कार्बन नंबर 6 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला पॉइंट लिखा गया है, जो कार्बन 6 नंबर कार्बन है, मतलब 6 नंबर कार्बन ए हमारा है, ठीक है, यह क्या करता है, अगर यहाँ पे हम कोई भी मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या करेगा, इंक्रीज द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वह हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आगे दिया गया जो यहाँ पे जो 3 नंबर पे OH ग्रुप है और 4 नंबर पे जो हमारा H ग्रुप है, ठीक है, यह एक्टिविटी को कोई अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, एक्टिविटी को कोई अफेक्ट नहीं करता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे जो हमारा ये 6 नंबर जो है 6 नंबर कार्बन और 2 नंबर जो कार्बन है, यहाँ पे देखिए जो एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे 6 नंबर पे एमिनो ग्रुप है, या क्या करता है, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जो एमिनो ग्लाइकोसाइड्स की एक्टिविटी है इसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। फिर आगे बात कर लेते हैं क्या, फिर आगे है एट जो कार्बन फर्स्ट पोजीशन वाला है, ठीक है, एमिनो ग्रुप एसाइलेशन, अगर यहाँ पे एसाइलेशन करते हैं एंड एथाइलेशन करते हैं तो हेल्प टू रिटेन द एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी जो हमारी अच्छी होगी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं टू हाइड्रोक्सीलेशन एंड द 5-D जिनेशन इंक्रीज द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, मतलब कि इनहिबिट द बैक्टीरियल एंजाइम इन एक्टिवेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है लास्ट में लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा लिख दिया है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं अगला जो टॉपिक इस पर लाऊँगा टेट्रासाइक्लिन पे, ठीक है, अगर आप टेट्रासाइक्लिन वाला लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।